हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। लास्ट क्लास हमने कुछ इंटरफेरेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करे थे, तो आज हम जो है इंटरफेरेंस बाय न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आज का न्यूमेरिकल है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 10th डार्क रिंग इज 0.433, मतलब 0.433 क्या दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है ऑफ अ 10th डार्क रिंग। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस इज 70 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर कितना दे रखा है, दे रखा है आपको 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द कर्वेचर दे रखा है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालना है, वेवलेंथ, जो भी हम आप सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी लाइट की वेवलेंथ क्या है, क्योंकि उसने क्या कहा है, डार्क रिंग है, 10th डार्क रिंग। तो डार्क रिंग के लिए अगर हम डायमीटर का फॉर्मूला निकालें तो डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 n आर लैम्डा। ठीक है, या अंडर रूट ऑफ 4 आप बाहर निकालो तो 2 अंडर रूट ऑफ n आर लैम्डा। ठीक है, तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एन स्क्वायर अपॉन 4 n आर। ठीक है, अब n आपको कितना गिवन था, 10th डार्क रिंग, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 10 होगी। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, डायमीटर दे रखा है आपको 10th डार्क रिंग का 0.433 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.433 का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 4 इनटू n इज 10 एंड रेडियस हमको दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 70 सेंटीमीटर, तो इट इज विल बी 70। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो इट्स कम्स आउट टू बी 6950 इनटू 10⁻¹ सेंटीमीटर। सो वेवलेंथ हो गया आपका 6695 आर्मस्ट्रांग। तो एक हमारे पास जो भी सोर्स गिवन था उसकी वेवलेंथ कितनी थी, 6695 वेवलेंथ थी। अगर आपको यही क्वेश्चन अगर ब्राइट के लिए दे रखा हो तो आप ब्राइट के लिए अंडर फॉर्मूला लगाएंगे और उसी को सेम प्रोसेस से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट करा है, वेवलेंथ ऑफ अ गिवन सोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।